फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने कल वीडियो बना के बताया था कि सैमसंग A52s में एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट के नए फीचर एड ऑन किया गया है दोस्तों। उसके अंदर एक कमाल का नया फीचर एड ऑन किया गया है, उसका नाम है मेंटेन मोड। तो आज आपको बताने वाला हूं कैसे अपन मेंटेन मोड को यूज कर पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी में, चाहे A52s हो या फिर कोई सा भी आपके पास सैमसंग गैलेक्सी हो, तो उसमें अपन मेंटेन मोड को कैसे यूज करेंगे आगे बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं बताने वाला हूं नए अपडेट के नए फीचर के बारे में। यहां पर सबसे पहले आपको जाना है यहां सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाने के बाद आप देखेंगे आपको एक नया फीचर एड ऑन मिल रहा होगा मेंटेन मोड का, जो कि पहले नहीं आता था। ये पहले MIUI 5.0 के सबको मिल गया था, बट सैमसंग A52s में नहीं आया था। इस बार फाइनली इसको रोल आउट कर दिया गया। इस फीचर का काम क्या है दोस्तों? इस फीचर का काम यह है कि ये आपके पर्सनल डाटा को सेव करता है। कैसे? मान लो आपने के मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई हो और आप इसको सर्विस सेंटर पे या कहीं भी रिपेयरिंग के लिए दे रहे हैं, तो अभी क्या होता है, हम ऐसे ही दे देते हैं, बट क्या रहता है, वो डेटा वहाँ पर हमारा चेक कर सकता है या डेटा को हमारा कहीं भी यूज़ कर सकता है, तो ये डर बना रहता है। उस केस में आप इस मेंटेन मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप मेंटेन मोड को इनेबल करके देंगे, उसके बाद उसको कोई भी डेटा आपका एक्सेस नहीं होगा, ना ही आपकी जो भी ऐप्स इंस्टॉल्ड है वो दिखेगी। सिंपली जो भी ऑफिशियली ऐप जो कि इंस्टॉल होती हैं, प्री इंस्टॉल, बस वही ऐप दिखेंगी, उसके अलावा कुछ भी ऐप नहीं मिलेगी। और जब आप उसको वापस नॉर्मल मोड में लाना चाहेंगे, वहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा और आपका मोबाइल नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। और अगर आपको थोड़ा डर है तो आप उसको करने से पहले बैकअप भी ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बता रहा है। अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो आप यहाँ पर बैकअप मोड पे भी जाके इसको पहले बैकअप ले लो, उसके बाद आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ। उसके अलावा मुझे एक चीज़ और लगी इस अपडेट के बाद, यहाँ पर जो ये है ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। पहले बटन ग्रिड में मैक्सिमम 5 आते थे, बट अब मुझे मैक्सिमम 6 दिख रहे हैं, जो कि पहले नहीं आते थे। अब फाइनली इसको यूज़ कैसे करें, तो फाइनली इसको यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर गए, यहाँ जाने के बाद आपको टर्न ऑन पे क्लिक करना है। जैसे ही टर्न ऑन पे क्लिक करेगा वो बोलेगा रिस्टार्ट करिए, आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बता दिया, नॉर्मली टेक अराउंड 2 मिनट आफ्टर द लॉक इज क्रिएटेड, योर फोन विल बी रिस्टार्ट इन मेंटेन मोड, यू कैन सेफली हैंड ओवर योर फोन फॉर मेंटेन। तो अब इसको होने देते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर आ भी रहा है स्विचिंग टू मेंटेन मोड, आपको दिख रहा होगा ये फाइनली यहाँ पर आ गया। इसको पूरी प्रोसेस को होने में मिनिमम 5 मिनट्स लगते हैं, और जब भी आप इस प्रोसेस को करें तो बीच में आप ना पावर बटन को प्रेस करें या ना कुछ भी कोशिश ना करें ऑटो रिस्टार्ट करने की या मोबाइल को ऑन करने की। ऑटोमेटिक जितना टाइम लगता है उसको रिस्टार्ट होने में वो रिस्टार्ट हो जाएगा। आप उसको प्रेशराइज ना करें तो आपका डेटा वहाँ पर लैप्स हो सकता है। और जैसे ही ऑन हो जाएगा तो आपको बता देगा यहाँ पर कि यू आर इन मेंटेन मोड, आपको दिख रहा होगा ये बता। जैसे कि हम सेम मोड पर यूज़ करते हैं तो जैसा बताता है अब यहाँ पर ये बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो प्री इंस्टॉल ऐप ही दिख रही होंगी, जो आपने अलग से इंस्टॉल करी होंगी वो ऐप कोई भी नहीं दिखेगी। अगर आप गैलरी में जाएंगे तो गैलरी में कोई डाटा नहीं दिखेगा, या प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपकी कोई आईडी लॉगिन नहीं दिखेगी गूगल की, या फिर जो भी आपकी आईडी लॉगिन होगी हर जगह वो सब कुछ बंद हो चुका है। ना कोई कॉल हिस्ट्री आएगी, ना मैसेज दिखेंगे, ओवरऑल पूरा यहाँ पर लैप्स हो चुका है। आप देख रहे होंगे ओवरऑल पूरा वो खत्म हो चुका है, ऐसा लगेगा जैसे आपने नया मोबाइल अभी स्टार्ट किया है। तो ये होता है मेंटेन मोड, अपन इसको यूज करते हैं। अब मेंटेन मोड को ऑन कर लिया, अब हमें वापस जाना तो क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा योर फोन इज मेंटेन मोड, और उसके नीचे आ रहा है टैप टू एग्जिट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा यू नीड टू अनलॉक योर फोन टू टर्न ऑफ मेंटेन मोड when you do everything will go back that was maintain mode but first turn on change mode while maintain mode is on such as download data installed apps settings changes are no। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें मेंटेन मोड में ऑन करने के बाद आपका यहाँ पर कोई भी पासवर्ड नहीं लगता, तो आपको कोई पासवर्ड बताने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और जैसे ही आप इसको रिस्टार्ट करेंगे वो आपसे वहाँ पर वेरीफाई मांगेगा पिन, या फिर आपको पासवर्ड डालना रहेगा, और उसके बाद वो वहाँ पर टर्न ऑन हो जाएगा। तो अब जैसे टर्न ऑन होगा आपका नॉर्मल मोड पे वापस आपका डिवाइस आ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, मुझे तो सही लगा कि अगर सबके साथ होता है कि मोबाइल में कोई दिक्कत हो ही सकती है, तो हम कहीं भी दे रहे हैं तो हम इसको ऑन कर दें, उसके बाद होगा क्या, वो कोई हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने कोई पासवर्ड उसको दिया ही नहीं। जब तक हम उसको पासवर्ड नहीं बताएंगे जब तक वो हमारे डेटा को, या बोल सकते हैं नॉर्मल मोड पे भी आ नहीं सकता। तो ये ऐसे वर्क करेगा। फाइनली हो चुका है आपका मोबाइल रिस्टार्ट, और जब भी आप इसको ऑन करेंगे
अपना पासवर्ड वापस डालना रहेगा, पासवर्ड पैटर्न पिन जो भी आपने लगा के रखा है आपको उसको डाल देना है, और उसके बाद आपका वही का वही वॉलपेपर, वही पूरी सेटिंग्स, वही सारी एप्स प्री इंस्टॉल वापस आ जाएंगी और आपका पूरा डेटा वहाँ पर रिकवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास जितनी एप्स थी यहाँ पर सब की सब वैसी की वैसी आ गई हैं। थोड़ा टाइम लेगा चालू होने में, पर सब कुछ आपका वैसा का वैसा यहाँ पर रिकवर हो गया। आप देख सकते हैं सब कुछ वैसा वैसा आ गया। गैलरी में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका डेटा वहाँ पर पूरा वापस आ चुका है। तो ऐसे ये वर्क करता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।